दोस्तों अगर आप 11th क्लास का स्टूडेंट है तो आपको रेडियन माप ज्ञात करना पता होना चाहिए। रेडियन में कैसे ज्ञात किया जाता है, रेडियन माप कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अगर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आपको दे दिया जाता है 25 डिग्री, इसको रेडियन में ज्ञात कीजिएगा। तो रेडियन ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है देखिएगा, चूंकि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बटा में 180 हो जाएगा, है ना। इसीलिए 25 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा, 25 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुना में 25, ठीक है। इसको काट लीजिए, 5 5 25 हो जाएगा, 5 से इसको काटिएगा, 5 3 15 हो जाएगा और 5 6 30 हो जाएगा। कितना निकल के आ गया, 5 पाई बटा में 36 निकल के आ गया। बस हो गया, ये हो गया रेडियन में हम लोग ज्ञात कर लिए, ठीक है। और रेडियन के लिए इसमें सी का ऐसा सिंबल लगा देते हैं। अगर आपको दे दिया जाता है 50 डिग्री का, 50 डिग्री को क्या बोल दिया जाता है, रेडियन में ज्ञात करके दिखाइए, ठीक है। उसको ज्ञात करने के लिए क्या कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसीलिए 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई रेडियन बटा में 180, ठीक है। इसीलिए 50 डिग्री बराबर, इसीलिए 50 डिग्री बराबर, 50 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा में 180 और गुना में 50 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10 काट दीजिए, यानी कि 5 पाई बटा में 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग रेडियन ज्ञात कर सकते हैं।